पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर्स। इलेक्ट्रिकल पावर से क्या मुराद है और पावर डिसिपेशन से क्या मुराद है। बैटरी आप इस सर्किट में देखें, एक बैटरी लगाई गई है जिसका ईएमएफ ई है और इसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगाया गया है। बैटरी का काम है एनर्जी सप्लाई करना चार्जेस को, और एक कास्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये प्रोवाइड करती है। तो वर्क डन, बैटरी जो है वो वर्क करती है चार्जेस पर। मसलन यहाँ पे सर्किट में दिखाया गया आपको कि करंट की जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, इस तरह करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो आप देखें कि जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस रजिस्टर में से गुजर कर नेगेटिव टर्मिनल पर आते हैं तो बैटरी इन्हें पुशअप करती है फिर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एनर्जी सप्लाई करती है उन्हें, ताकि फिर ये सर्किट में आ जाएं। एनर्जी इनके बैटरी ये वर्क कर रही है चार्जेस पर, चार्जेस को बार बार जो है सर्किट में ले आना ये बैटरी का काम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के मुताबिक जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी। लिहाजा हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज जो है वो डेल्टा क्यू चार्ज है जो इस सर्किट में आ रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा क्यू। ये बेसिक डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म जो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ये वर्क डन वो है जो इनर्जी कहलाता है जो बैटरी चार्जेस को सप्लाई करती है। लिहाजा जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस रेट पर बैटरी काम कर रही है या एक सेकंड में कितना वर्क कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड पावर। तो पावर को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्क डन पर सेकंड। तो इसमें वर्क की वैल्यू हम दर्ज कर देते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क क्या है, वी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, और ये डेल्टा क्यू और टी ये क्या है, ये करंट कहलाता है, इज इक्वल टू डी, इसकी जगह हम आई पुट कर देते हैं। तो एनर्जी सप्लाइड सॉरी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये वो पावर है जो बैटरी की है, जो चार्जेस पर बैटरी स्पेंड कर रही है। अब यही चार्जेस जब इस रजिस्टर में से गुजरते हैं तो ये एनर्जी इसमें रजिस्टर में डिसिपेट होती है, या दूसरे लफ्ज़ में कंज्यूम होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, या पावर प्रोवाइडेड इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड। लिहाजा जो पावर डिसिपेट हो रही है रजिस्टर में वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक यही होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज इक्वल टू वी आई, ये भी वी आई के बराबर है। अब इसके मुख्तलिफ फार्म्स हैं इस फार्मूले की, तो अगर हम यहाँ पर ओहम्स लॉ से वी की वैल्यू पुट करें तो ये आई के फार्म में आ जाएगा फार्मूला, अगर ओहम्स लॉ से हम यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करें तो ये वी की फार्म में हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, कि ओहम्स लॉ जो है वो है वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब इसमें वी की वैल्यू पुट कर दें फिर आई की वैल्यू पुट कर दें तो फार्मूले की नोयत देखें तो वो किस तरह बन जाता है। यहाँ पर हम ये दोनों वैल्यूज़ लिख कर देख लेते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई, वी की जगह अगर आई आर पुट कर दिया जाए, आई आर इंटू ये, फिर आई ऑलरेडी मौजूद है, वी की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, आई साथ लिख दें, ये आ जाएगा आई स्केयर आर, ठीक है, पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर। इनके एक फार्मूला हमारे पास ये वाला है इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब इक्वेशन नंबर वन में यहाँ आई की वैल्यू पुट कर दें, आई की वैल्यू क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, तो इसमें पुट कर दें तो पावर का फार्मूला आ जाएगा, वी की जगह वी लिखेंगे, आई की जगह वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये तीसरी इक्वेशन, ये तीन इक्वेशंस हैं पावर के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, पहली है वी आई, दूसरी आई स्केयर आर, और तीसरी है वी स्केयर आर।
ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मुताबिक जो भी हमें फार्मूले चाहिए वो हम पुट कर लेंगे। इस फार्मूले से हम पावर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पावर के यूनिट क्या हैं? पावर के यूनिट वाट हैं, जो पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं पावर के यूनिट हैं वाट, ठीक है, या इसे कैपिटल W से लिखते हैं। तो ये वाट आप यूनिट जहाँ से निकाल सकते हैं कि P = VI, वी के यूनिट क्या होते हैं वोल्ट, और I के यूनिट एम्पेयर, वोल्ट इंटू एम्पेयर। अब इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें, जौल, वोल्ट जो है ये जौल पर कूलम के बराबर, ठीक है, और I जो है करंट, ये कूलम पर सेकंड होता है, ठीक है, ये कूलम कूलम से कैंसिल, ये आ जाएगा जौल पर सेकंड, जौल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट, ठीक है। इस तरह ये यूनिट आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक बैटरी है जिसे हमने कनेक्ट किया हुआ है एक रजिस्टर के साथ, ये R है, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो E के बराबर है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसे हम लिखते हैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मुराद है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये बैटरी से ताल्लुक है, इसका नाम से तो ये फोर्स लग रही है लेकिन ये फोर्स नहीं है, बल्कि एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द बैटरी। बैटरी जो यूनिट चार्ज को एनर्जी सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड EMF, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड, लिख देता हूँ मैं, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू यूनिट चार्ज इस कॉल्ड EMF। अब ये देखें इस सर्किट डायग्राम को, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है इस तरह। अब ये चार्ज जो है इस तरह फ्लो कर रहे हैं रजिस्टर में से होकर, ये जब वापस नेगेटिव टर्मिनल पर चार्जेस आ जाते हैं तो बैटरी का काम है इन पॉजिटिव चार्जेस को बाहर निकालना, बाहर पुश करना, इन्हें एनर्जी सप्लाई करना। तो बैटरी यहाँ पर काम करती है, पॉजिटिव चार्जेस जो नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाते हैं उन्हें पुश अप करती है और उन्हें पॉजिटिव टर्मिनल तक ले आती है और फिर उन्हें बाहर पुश कर देती है, बाहर निकाल देती है अगर सर्किट मौजूद है तो। इस एनर्जी सप्लाइड को EMF कहा जाता है। देखने में तो ये, लिखने में तो ये फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है, बल्कि एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज बाय द बैटरी। बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है चार्जेस को बाहर निकालने के लिए, ये EMF कहलाता है, और इसके यूनिट वही हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट हैं वोल्ट। अब जब हम इसके साथ एक्सटर्नल सर्किट लगा देते हैं, बाहर कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उस वक्त ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी कि जब बाहर सर्किट मौजूद है, बाहर कोई रेजिस्टर मौजूद है और स्विच ऑन है, बैटरी बाहर एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो उस वक्त जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है कि बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यानी कि जब बाहर सर्किट मौजूद होगा तो उस वक्त ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर बाहर सर्किट मौजूद नहीं है तो फिर से हम EMF कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि EMF जो है ये काज है। EMF क्या है? EMF इज काज, ठीक है, ये काज है करंट के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, ये उसका इफेक्ट है। ये क्या है? ये उसका काज का इफेक्ट है। यानी कि बैटरी हम आउटर सर्किट के साथ लगाएंगे तो उसका इफेक्ट सामने आएगा, अदरवाइज उसके अंदर पोटेंशियल तो मौजूद है, काज तो मौजूद है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो एक्सटर्नल सर्किट की अदम मौजूदगी में होता है उसको EMF कहा जाता है, ठीक है। और EMF जो है हर वक्त मौजूद है, इट इज़ अवेलेबल ऑल टाइम, लेकिन जो इफेक्ट है वो उस वक्त होगा जब एक्सटर्नल सर्किट होगा, ठीक है। जब करंट हम ड्रा नहीं कर रहे तो EMF मौजूद है, जब हम करंट ड्रा करेंगे तो हम इस EMF को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे।
अब देखते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें रिलेशन क्या है ईएमएफ के दरमियान। अब देखें, जब बैटरी काम करती है इन चार्जेस को, मसलन जहाँ पर ये चार्जेस मौजूद हैं इनको पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने के लिए कुछ काम करती है, और इन चार्जेस को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने के लिए कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कहा जाता है। तो बैटरी के अंदर फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, कोई जो भी H2SO4 है या C2SO4 कोई सोल्यूशन मौजूद है, तो उसके एटम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो जब चार्जेस उसमें ट्रैवल करेंगे तो जहर है उनके रास्ते में रुकावट होगी, और इस रुकावट को, इस अपोजिशन को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कहा जाता है। यानी कि जो बैटरी हमने इस तरह बनाई हुई है, एक्चुअली ये ऐसे नहीं है बल्कि ये इस तरह होती है। ये देखिए, ये बैटरी के साथ ये छोटी सी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको कहा जाता है, यानी कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी। अब इसके साथ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें और दरमियान में एक वोल्ट मीटर लगा दें जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे। ये आर है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक है, और जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम ईएमएफ कहेंगे, और दरमियान में ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये ईएमएफ की और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट के लिए। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो इस सर्किट में करेगा ऐसे, ठीक है, ये करंट की ट्रैक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसमें जो करंट अब फ्लो कर रहा है, वी इज इक्वल आई आर वाले फार्मूले से हम निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब आर में देखें कितने रेजिस्टेंस है हमारे पास, अब दो रेजिस्टेंसेज मौजूद हैं इस सर्किट में, एक ये एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस है, एक इंटरनल सर्किट की रेजिस्टेंस है, जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से जाहिर किया गया है। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस स्मॉल आर होगी, कि स्मॉल आर जो है आर कैपिटल आर के सीरीज़ में है, ये दोनों जमा हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। ये टोटल करंट है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब हम ईएमएफ की वैल्यू निकालें। अब जहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी नहीं है बल्कि वो ई के बराबर है, ईएमएफ द ऑफ द बैटरी आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई इंटू आर प्लस आर, ठीक है, इज इक्वल टू ई, या ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई समाल आर, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन वन कह देते हैं। ये ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान एक रिलेशन है, जहाँ पर ये जो आई आर इस्तेमाल हो रहा है कैपिटल आर, इसे वी टी लिखा जाता है, छोटा सा टी लिख दें साथ, वी टर्मिनल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, लिहाजा ई इज इक्वल टू वी टर्मिनल प्लस आई आर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान। अब यहाँ पे देखें, इस रिलेशन से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है। ठीक है, अब देखें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ ऐड करें तो फिर ये ई के बराबर बनता है, इसका मतलब ये है कि ई इज़ ग्रेटर दैन वी टी, ई इज़ ग्रेटर दैन वी टी, या वी टर्मिनल इज़ लेस देन ई, ये बैटरी के ईएमएफ से हमेशा कम होता है। अब क्यों कम है, क्योंकि जब कुछ करंट जो है इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो ईएमएफ उसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, लिहाजा ईएमएफ जो है वो टोटल ईएमएफ वो वी टी प्लस आई आर के बराबर है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इस आर के अक्रॉस, और आई आर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिनके कुछ एनर्जी जहाँ पे डिसिपेट हो रही है, कुछ एनर्जी जहाँ पे डिसिपेट हो रही है, इसलिए जो है ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। और ये भी याद रखें कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त होता है जब एक्सटर्नल सर्किट मौजूद हो, अगर एक्सटर्नल सर्किट मौजूद नहीं है ईएमएफ हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है, क्योंकि वो काज है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफ़ेक्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर ना समझ आए तो फिर आपने कमेंट्स में लिख देना है और इंशाल्लाह आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
इसी के साथ ही मैक्सिमम पावर आउटपुट के बैटरी की जो आउटपुट पावर है वो मैक्सिमम किस कितनी होती है और किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर आउटपुट पावर का जो फार्मूला है हमारे पास ये आई स्क्वायर आर जहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई की वैल्यू हम जानते हैं ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर है। तो ये आई की वैल्यू जहाँ पर दर्ज करें ई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक हो गया, इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आर प्लस आर होल स्क्वायर। ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस फार्मूले को जो लिखा जा सकता है ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय ये आर प्लस आर स्क्वायर जो है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि आर माइनस आर स्क्वायर प्लस फोर आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये मैथमेटिकल फार्मूला है अलजबरे का, इस तरह इसे लिखा जा सकता है। अगर आप इसको हल करें, इसे खोलें, तो यही चीज़ फिर वापस आ जाती है, लिहाजा हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। आप देखें कि ये हमारे पास पावर का फार्मूला आ रहा है, पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर प्लस फोर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब ये डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर जितना कम होगा पावर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, मैथमेटिकली आप इसे देखें कि डिनोमिनेटर तकसीम करने वाली चीज़ जितनी कम होगी और पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, लिहाजा इसमें देखें ये कम से कम कब आएगा, ये कम से कम रिजल्ट उस वक्त होगा जब ये दोनों आर बराबर हो जाएं, यानी कि जब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएं तो डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम होगा, उस वक्त क्या होगा मिनिमम होगा। तो हम यहाँ पर जो है ये जो स्मॉल आर है इसकी जगह कैपिटल आर पुट कर देते हैं, तो जब कैपिटल आर पुट करेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा, रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर माइनस स्क्वायर इसका। ठीक है, आगे फोर आर आर इसको ऐसे रहने दें, तो ये आर कैंसिल हो जाएंगे, ये एक आर कैपिटल यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर ये प्लस फोर आर है डिवाइडेड बाय फोर आर। ये फार्मूला है मैक्सिमम पावर आउटपुट का, यानी ये आउटपुट पावर बैटरी की मैक्सिमम जो है वो ई स्क्वायर और फोर आर के बराबर है। अब इसमें देखें कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे उस वक्त बैटरी की आउटपुट पावर मैक्सिमम, ये जहन में रखें कि आउटपुट पावर कब मैक्सिमम होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे उस वक्त ये पावर जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है छोटा सा किरचॉफ्स रूल्स, बहुत ही आसान है, दो रूल्स हैं किरचॉफ्स के, एक करंट के मुतालिक है और एक वोल्टेज के मुतालिक है। किरचॉफ्स रूल्स, ठीक है, ये दो रूल्स हैं इसके, एक करंट के मुतालिक है और एक पोटेंशियल डिफरेंस के, एक करंट और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के मुतालिक। पहला जो करंट के मुतालिक है फर्स्ट रूल, ठीक है, इसे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कहा जाता है, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स करंट रूल या किरचॉफ्स या इसे पॉइंट रूल भी कहा जाता है, पॉइंट रूल, ठीक है, ये तीनों नाम इसी के हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स करंट रूल या किरचॉफ्स पॉइंट रूल। और बहुत ही आसान है इसका, इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्कट इज इक्वल टू जीरो। स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्कट इज ज़ीरो। बहुत ही आसान सा है कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्कट इज इक्वल टू ज़ीरो, एक सर्कट में एक पॉइंट पर जितने करंट्स मीट कर रहे हैं उनका सम, उनका मजमूआ ज़ीरो के बराबर आता है। मैथमेटिकली वी कैन राइट सिग्मा आई इज इक्वल टू
जीरो, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो जितने भी एक सर्किट ले लेते हैं हम, उस सर्किट में एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, उस पॉइंट पर जितने भी करंट्स मीट कर रहे हैं, करंट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसका सम, उसका मजमूआ ज़ीरो के बराबर है। ये किरचॉफ फर्स्ट रूल है। किरचॉफ रूल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हमारे पास ऑलरेडी ओम्स लॉ मौजूद है, ठीक है, उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते? किरचॉफ रूल्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ओम्स लॉ हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब कोई सिंपल सर्किट होता है। अगर सर्किट कोई कम्प्लेक्स है जिसमें ज़्यादा बैटरीज हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम किरचॉफ रूल इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त ओम्स लॉ काम नहीं आता, ठीक है। और इसकी जो डायग्राम है बना कर देखते हैं कि जो किरचॉफ रूल की फर्स्ट रूल की डायग्राम है, उसमें चंद एक हम रजिस्टर ले लेते हैं। मसलन एक रजिस्टर जो है वो इस तरह है, एक रजिस्टर जो है वो इस तरह रखा हुआ है, एक और रजिस्टर है इस तरह, एक और रजिस्टर जो है वो इस तरह है। इसे हम कह देते हैं R1 है, R2 है, R3 और R4, और ये एक पॉइंट पर सारे मिल रहे हैं, ठीक है। ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसमें करंट I1 गुजर रहा है इस डायरेक्शन में, इसमें करंट I2 गुजर रहा है इस डायरेक्शन में, जहाँ करंट I3 है और ये डायरेक्शन है उसकी, जहाँ पे करंट I4 है उसकी ये डायरेक्शन है। यानी ये दो करंट्स हैं जो इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, और ये दो करंट्स हैं जो एग्जिट हो रहे हैं पी पॉइंट से। तो किरचॉफ रूल के मुताबिक हम क्या लिखें? सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये I3 और I4 को माइनस लिया है इसलिए कि ये आउटगोइंग करंट है, ये पॉइंट से दूर जा रहे हैं, ये पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं। अगर हम I3 I4 को पॉजिटिव ले लें तो I1 I2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, लिहाजा यहाँ हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकलता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ हम लिख देते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये किरचॉफ रूल की एक और डेफिनेशन आ गई है, फर्स्ट रूल की, पॉइंट रूल की, कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक पॉइंट पर जितना करंट आ रहा है उतना ही उस करंट से आगे जा रहा है, उस पॉइंट से आगे करंट जा रहा है। ये भी किरचॉफ फर्स्ट रूल यानी पॉइंट रूल की एक और स्टेटमेंट है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब देखते हैं किरचॉफ सेकंड रूल क्या है। किरचॉफ सेकंड रूल, ठीक है, इसे वोल्टेज रूल भी कहा जाता है, ये चूँकि वोल्टेज के मुतालिक है, वोल्टेज रूल। इसकी भी बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस फॉर ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस या पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है, इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी क्लोज सर्किट है, या इसे क्लोज सर्किट को हम मैश भी कहते हैं, मैश या लूप, तो इस तरह भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ मैश इज इक्वल टू ज़ीरो, या सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ लूप इज इक्वल टू ज़ीरो, या सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी क्लोज सर्किट है उसमें जितने भी पोटेंशियल चेंजेस हैं या जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उसका सम ज़ीरो के बराबर है। उसमें जहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है कि जिसमें इस तरह एक रजिस्टर लगा हुआ है और उसके साथ एक बैटरी है और साथ ही एक और बैटरी यहाँ पर और एक और रजिस्टर है यहाँ पर इस तरह लगा हुआ, और ये इस तरह एक क्लोज्ड सर्किट है। ये बैटरी E1 है, ये बैटरी E2 है, इसका EMF E2, इसका EMF E1 है, और ये रजिस्टर R1 और ये रजिस्टर R2।
इसमें ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है आई, ये करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, यानी इस बैटरी से आगे की तरफ ऐसे ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। तो इसमें ये क्लोज सर्किट है, इस क्लोज सर्किट में जितने भी पोटेंशियल चेंजेस हैं उसका सम ज़ीरो के बराबर है। अब हमने इस फार्मूले के मुताबिक, इस रूल के स्टेटमेंट के मुताबिक पोटेंशियल चेंजेस या पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालने हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज, ठीक है, एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज। अब इसका पोटेंशियल दिया गया है ई वन है, इसका पोटेंशियल ई टू है, यानी कि ये बैटरी चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करेगी, ये बैटरी भी चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करेगी, लेकिन जो रजिस्टर हैं इनमें एनर्जी आके डिसिपेट होगी, ठीक है। रजिस्टर ने तो एनर्जी सप्लाई नहीं करनी ना, ये क्या करेंगे, ये जहाँ पर आकर एनर्जी डिसिपेट होगी। तो इसमें कुछ कन्वेंशंस हैं वो आपने याद रखनी है कि जहाँ पे एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वहाँ पे आपने पॉजिटिव साइन लेनी है, और जहाँ पे एनर्जी डिसिपेट हो रही है वहाँ पे आपने नेगेटिव साइन लेनी है, ठीक है, इस बात समझ आ रही है। जहाँ पे एनर्जी मिल रही है चार्जेस को, बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, ठीक है, वो पॉजिटिव, और जहाँ पे बैटरी एनर्जी सप्लाई नहीं करती वहाँ पे नेगेटिव साइन लेनी है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं, पहली बैटरी ई वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये ई वन है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब देखें ई वन पर ये चार्ज जो है इधर से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्जेस वाली होती है, ये याद रखें। तो नेगेटिव टर्मिनल पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, अब बैटरी क्या करेगी, उस पॉजिटिव चार्ज को उठाकर इस पॉजिटिव प्लेट पर ले आएगी, ठीक है, उसको एनर्जी सप्लाई करेगी। अब ई वन एनर्जी जो है, पहली बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, अब एनर्जी सप्लाइड या वर्क डन का फार्मूला क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस या ई एम एफ इन टू चार्ज। तो लेट वी कंसिडर द चार्ज इज डेल्टा क्यू। तो इस तरह पहली बैटरी जो एनर्जी सप्लाई कर रही है वो है ई वन डेल्टा क्यू, ई वन डेल्टा क्यू, ये एनर्जी सप्लाई हो गई। इसके बाद हम आर वन में आते हैं, वो चार्ज यहाँ से निकल कर आर वन में दाखिल होगा रजिस्टर में। अब रजिस्टर में जब दाखिल होगा तो यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट होगी, ठीक है, यहाँ पर हम माइनस साइन लेंगे, माइनस। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन कितना है, ठीक है, वो आई आर वन है पोटेंशियल डिफरेंस, ये फार्मूला वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर वाले फार्मूले से, जहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है आर वन के क्रॉस वो है आई आर वन, आई आर वन, और चार्ज कितना है, वो डेल्टा क्यू है। मैंने साइन जहाँ पे क्यों लिखी है कि जहाँ पे एनर्जी डिसिपेट हो रही है। अब जहाँ से चार्ज निकल आया आर वन से, डेल्टा क्यू चार्ज, वो चार्ज यहाँ ई टू पर पहुँच गया, ठीक है, जहाँ पर ये चार्ज पहुँच गया है डेल्टा क्यू चार्ज। अब क्या, अब ये चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा, पॉजिटिव प्लेट है वहाँ से नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। अब देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ खुद ब खुद आएगा, क्या होगा, खुद ब खुद आएगा, जहाँ पर बैटरी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रही, ठीक है, ये खुद ब खुद आएगा, खुद ब खुद कनेटिक एनर्जी इसकी आएगी। तो जहाँ पर जो एनर्जी होगी वो माइनस में आएगी, ठीक है, एनर्जी बैटरी सप्लाई अब नहीं कर रही, चार्ज खुद ब खुद आ रहा है, लिहाजा जहाँ पे माइनस साइन आएगी, माइनस ई टू इंटू डेल्टा क्यू, ठीक है, ये एनर्जी एनर्जी गेन आ गई, जहाँ पे एनर्जी उसने गेन की जहाँ पे एनर्जी लॉस हो गया, एनर्जी लॉस यहाँ पे ई टू डेल्टा क्यू आ गया। अब ये चार्ज दाखिल हो जाएगा आर टू में, ठीक है, अब फिर ये रजिस्टर है, रजिस्टर में तो वैसे एनर्जी डिसिपेट होगी, लिहाजा जहाँ पर भी हम माइनस साइन लिखेंगे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस आर टू इस फार्मूले के मुताबिक वो आई आर टू होगा, आई आर टू इंटू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। सर्किट कंप्लीट हो गया, हमारी इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप इसमें देखें कि डेल्टा क्यू साब में कामन है, लिहाजा बोथ साइड्स को डेल्टा क्यू से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ई वन माइनस आई आर वन माइनस ई टू माइनस आई आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है किरचॉफ सेकेंड रूल, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सारी पोटेंशियल चेंजेस हैं, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, ई वन भी, ई टू भी, आई आर वन, आई आर टू,
जहाँ आप कह रहे हैं उधर पे सर कह रहे हैं भाई सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस जहाँ पे मैंने साइन लिखी हुई है, तो मैंने साइन को भी तो सम ही पढ़ते हैं ना। आप इस तरह कर लें ई वन प्लस माइनस आई आर टू माइनस आई आर टू आर वन, फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस ई टू, फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस आई आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस है। नेगेटिव साइन तो इनकी कन्वेंशन के लिहाज से आ रहा है कि कहाँ पे आपने नेगेटिव साइन लेना है, कहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है। जहाँ एनर्जी डिसिपेट होगी वहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, जहाँ एनर्जी गेन होगी वहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये किरचॉफ सेकंड रूल है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस या सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसे हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नेटवर्क हो, यानी कि बहुत ज़्यादा बैटरीज हों, ज़्यादा रेजिस्टेंसेज हों, ज़्यादा लूप्स बन रहे हों, तो यानी एक ही करंट सप्लाई ना हो रहा हो, करंट भी डिफरेंट हो, तो फिर हम किरचॉफ्स रूल्स इस्तेमाल करते हैं। किरचॉफ्स रूल इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला काम जो है आपने डायग्राम का करना होता है। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रा करेंगे, डायग्राम के बाद आप जो है वो लूप लेंगे, लूप बनाएंगे इस तरह, यानी ये एक लूप है, इसके साथ दूसरा तीसरा चौथा। इसके बाद आपने करंट की डायरेक्शन खुद चूज़ करनी होती है कि जो करंट की डायरेक्शन आप पहले लूप में लेंगे दूसरे में भी करंट की डायरेक्शन वही लेंगे, तीसरा लूप है तो करंट की डायरेक्शन तीसरे लूप में भी वही लेंगे। फिर हर लूप को इस तरह आप उनकी इक्वेशंस बनाएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जो भी चीज़ मालूम करनी हो फिर उससे आप मालूम कर लेंगे। ओके, थैंक्स।